दुआ कर लें अल्लाह ताला इसमें हमें इखलास और कबूलियत नसीब फरमाए। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وصلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين। فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم, तबाही है इन लोगों के लिए कि जो किताब अपने हाथ से लिखते हैं, ثم يقولون फिर कहते हैं, هذا من عند الله, ये अल्लाह की तरफ से है। यहूद के अंदर एक बीमारी ये भी पैदा हो गई कि अपनी जाती मसलिहतों की वजह से वो दीन में तहरीफ करते थे, तौरात में तहरीफ करते थे, जो आयत उन्हें सूट नहीं करती थी उसको काट देते थे, और जो आयत वो चाहते थे कि यार ये क्यों नहीं होनी चाहिए थी वो अपनी तरफ से लिख भी देते थे। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को कुरान मजीद के अंदर लफ्जी तहरीफ से और मानवी तहरीफ से महफूज फरमाया है, लेकिन हमारे अंदर एक गुरोह मौजूद है जिसने लोगों के अहमाल में तहरीफ कर दी है। कुरान और हदीस तो तहरीफ से महफूज हैं, लेकिन उन्होंने अपने जी से घड़ घड़ के लोगों में ऐसे अकायद फैला दिए हैं, ऐसे अहमाल फैला दिए हैं कि कुरान और हदीस में तो तहरीफ नहीं हुई लेकिन उम्मत में तहरीफ कर दी है इन लोगों। लियश्तरू बिही समनन कलीला, और ये तहरीफ इसलिए करते हैं कि समनन कलीला, मामूली पूंजी, मामूली गरज के लिए वो अल्लाह के दीन को बदल देते हैं, उसमें नई से नई चीज ले आते हैं, नई से नई बिदअत उसमें दाखिल कर देते हैं, नया से नया तरीका वो ले आते हैं। अजीजाने ग्रामी, एक अजीब तमाशा है, यानी मैं 1400 साल की बात नहीं करता हूं, मैं 14-15 सालों की बात करता हूं। आप तो ये कहेंगे ना कि 1400 साल में दीन में लोगों ने क्या बिदअतें, क्या तहरीफ कर दी। 1400 साल की मुद्दत तो बहुत ज्यादा है, मैं 14-15 साल की बात करता हूं। मुझे याद है कि जब मैं इस शहर लाहौर में आया 1958 में, तो चंद बिदात यहां पर नहीं थी, मेरे देखते ही देखते मेरे सामने बाज बिदातों का जहूर हुआ, और वो यूं इतनी तेजी से फैल गई। उस वक्त हमने ये समझा कि चलिए ये इश्को मोहब्बत में हो रहा है, चलिए ये एक रस्म और रिवाज के तौर पे, आगे चल के तो पता चला कि उसको उन्होंने दीन का हिस्सा बना दिया। अब आप जाइए ना बाज मसाजिद में, और वो फीकी सूखी रूखी वो अजान जो हजरत बिलाल दिया करते थे वो देखे दिखाइए ना आप। पता चलेगा कि नहीं, कहेगा अजान दोबारा दो, नहीं हुई अजान। ये क्या है? ये बिदअत है। हजरत बिलाल की दी हुई अजान को आप पूरा ना समझें, काफी ना समझें, और अपनी तरफ से एक चीज का इजाफा कर दें, नेक नियति से करें, जैसे भी आप करें, आपने इजाफा कर दिया, आपने तहरीफ कर दी। लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि मौली साहब जो हैं, इमाम साहब जो हैं, अपनी वहां की गद्दी को जरा मजबूत बना सकें, एक ग्रोही तासुब पैदा कर सकें। फ़वैलुल्लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम, जो कुछ उनके हाथों ने लिखा वो तबाही है उनके लिए। वैलुल्लहुम मिम्मा यक्सिबून, और जो कुछ वो अमलन कमा रहे हैं वो उनके लिए तबाही है। वक़ालू, और ये कहते हैं, लन तमस्सन नारु इल्ला अय्याम मअदूदा, हमें आग सिर्फ
सिर्फ चंद दिनों के लिए छुएगी। कुल, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछिए, अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदा अहदन, क्या तुमने अल्लाह से कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, कोई अहदो पैमान लिया हुआ है? फलन युखलिफ अल्लाहु अहदा, और अल्लाह जो है अपने इस अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। अम तकूलूना, और या तुम वो कुछ कह रहे हो, अल्लाह अल्लाह पे, माला तालमून, जिसका तुम्हें सही इल्म नहीं है। बला, क्यों नहीं, मन कसब सय्यातन, जिसने बुराई कमाई, वह अहातत बिही खतीअतु। अजीजाने गरामी, इन तीन लफ्जों पे गौर करें। बात यह है कि कुरान मजीद का अंदाज इस कदर हसीन है, बात इस कदर हसीन पैराए में हो जाती है कि उससे ज्यादा हसीन पैराया तसव्वुर में नहीं आ सकता। अब मैं ये तीन लफ्ज पढ़ रहा हूं, आप में अगर कोई शायर बैठा हुआ है, कोई खतीब और अदीब बैठा हुआ है, तो जरा ध्यान दे, इसी बात को जरा इससे बेहतर अंदाज में बयान करने की कोशिश कर ले। वो शख्स जिसने के बुराई को कमाया, कसब सय्यात, और वह अहातत बिही, और उसको घेरे में ले लिया, खतीअतुहु, उसकी खताकारी ने। ये तीन लफ्ज हैं, अहातत बिही, खतीअतुहु, उसकी खताकारी ने उसकी शख्सियत को घेरे में ले लिया। ये एक शख्सियत का नक्शा खींचा जा रहा है, इंसानी नफ्सियात का नक्शा खींचा जा रहा है कि ऐसा भी होता है कि इंसान की पूरी शख्सियत को खताकारी, जुर्म, बदनीयती घेरे में ले ले। जैसे आगे चल के एक और खूबसूरत लफ्ज़ आ रहा है, उशरबू फी कुलूबिहिमुल अज्ल, ये बछड़े की मोहब्बत उनके उनको पिला दी गई, उनके दिलों में उड़ेल दी गई। पता चलता है कि बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं कि उन पे शर गालिब आ जाता है और उनकी जिंदगी में खैर मगलूब हो, खैर भी होता है लेकिन बराए नाम होता है, सिर्फ बातों की हद तक, दावों की हद तक, और अमलन, नियतन, इरादतन शर, खताकारी पूरी की पूरी उसकी शख्सियत पे गालिब आ जाती है। फऊलाइका असहाबुन्नार, फरमाया ये लोग दोजख में जाने वाले हैं, हुम फीहा खालिदून, ये उसमें हमेशा रहेंगे। वल्लज़ीन आमनु, वो लोग जो ईमान ले आए, वअमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने नेक आमाल किए, उलाइका अस्हाबुल जन्नत, ये जन्नत में जाने वाले लोग हैं, हुम फीहा खालिदून, ये जन्नत में हमेशा रहेंगे। हज़रत सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अहातत बिही खतीअतुहु का बहुत खूबसूरत तर्जुमा किया है, वो कहते हैं वो शख्स जो अपनी खताकारी का कैदी बन गया, कि उसकी खताकारियां, उसकी बदनीयती, उसकी दुनियादारी, वो उस पर इस कदर छा गई कि वो उसका कैदी बन के रह गया। ये भी एक जिंदगी का रंग होता है कि इंसान इस कदर मजबूर और बेबस हो जाए कि कभी अल्लाह के सामने रू दर रू, वन टू वन बात करने का उसको मौका ही ना मिले, और वो अपनी खताकारी के चक्कर में, अपनी दुनियादारी के चक्कर में, दूसरों के जुल्म और दूसरे के माल छीनने के चक्कर में इस कदर मशगूल हो जाए। और इसका नक्शा कुरान ने एक और जगह, अल्हाकुमुत्तकासु, तुम्हें माल जमा करने की दौड़ ने इतना मशगूल कर दिया, इतना गाफिल कर दिया, हत्ता ज़ुर्तुमुल मकाबिर, कि तुम अचानक दौड़, माल की दौड़ लगाते लगाते
अचानक तो हमारे यहां कब्रों में तशरीफ ले आए। पता ये चला था कि दौड़ तो लगी हुई थी माल जमा करने के लिए, आगे अचानक कब्र की खाई आ गई और आप कब्र में हमारे पास तशरीफ ले आए। ये कुरान मजीद का एक असलूब है जिसमें वो इंसान की शख्सियत को कई तरीकों से डिपिक्ट करता है। अब जरा उस मीसाक की तरफ आते हैं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कोहे तूर पे बुला के अता फरमाया। ये वही 10 कमांडमेंट्स हैं। वइज अखदना मीसाक बनी इसराइल, और जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया। क्या अहद लिया? अब इस अहद की शिकों पे जरा गौर फरमाए। ला ताबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा तुम किसी की इबादत नहीं करोगे। वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान के साथ पेश आओगे। एहसान का लफ्ज कहा, वालिदैन पे एक वक्त ऐसा आता है कि वो उन बचपना तारी हो जाता है, आसाब कमजोर हो जाते हैं, माकूलियत का रवैया नहीं रहता, जुबान पे काबू नहीं रहता, अपने सुलूक पे काबू नहीं रहता। इसको अर्ज़लिल उमर कहते हैं। उम्र का वो हिस्सा जब इंसान को होश नहीं, अपने कपड़ों तक कभी होश नहीं रहता। उस वक्त ये कहना कि रब रहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मेरे परवरदिगार अब तू इन पे ऐसे ही रहम फरमा जैसे मुझ बच्चे पे इन्होंने रहम किया था। जब मैं बच्चा था, जब मेरा पेशाब पखाना निकलता रहता था और मुझे उसका होश नहीं था और ये मुझे संभालते थे, ए अल्लाह तू इन पे वैसे ही रहम फरमा जैसे इन्होंने बचपन में मुझे पाल। उस वक्त उनको उसी तरह से पालना, उनका लिहाज करना, उनकी इज्जत करना, ये एहसान है। उनकी सख्त बात का नरमी से जवाब देना और उनकी सख्त बात को अनसुनी कर देना, ये एहसान है। ये तवक्कु रखना कि वो भी माकूल रवैया इख्तियार करें तो हम भी माकूल रवैया, ये एहसान तो ना हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आए और उन्होंने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, अगर वालिदैन दोनों अपने बेटे पे जुल्म करें तो फिर भी एहसान और खुशखुल्की? आपने 3 मरतबे फरमाया व इन ज़ालिमा हो, व इन ज़ालिमा हो, व इन ज़ालिमा हो, अगर दोनों अपने बच्चों पे जुल्म भी करें, दोनों अपने बेटों पे जुल्म भी करें, दोनों फिर भी तुम्हें नेक सुलूक करना है, एहसान करना है। वज़िल क़ुरबा, रिश्तेदारों से, वल यतामा, यतीमों से नेक सलूक, वल मसाकीन, गरीब लोगों से। और फरमाया वकूलू लिन्नास हुस्ना, और देखे लोगों के साथ नेकी की बात किया करो और नेक तरीके से बात किया करो। बात यह है कि दीन का सारा नचोड़ यही है, कूलू लिन्नासे हुस्ना, लोगों के साथ नेकी की बात किया करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लफ्ज फरमाए और ये 3 लफ्ज फिर मौजज़ा हैं। मन सामता नजा, जिसने चुप साध ली नजात पा गया, जिसने खामोशी इख्तियार कर ली नजात पा गया। भाई या तो खामोशी इख्तियार कर लें, चुप हो जाए, जो जी में आता है कहता फिरे, तुम चुप रहो, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, जो जो जी में आए कह रहा है उसको कहने दो, तुम चुप हो जाओ। फरमाए नजात तो इस पे भी हो जाएगी, लेकिन इससे आगे का दर्जा है, कूलू लिन्नासे हुस्ना, लोगों के साथ नेकी की बात करो।
नेक लहजे में बात करो और नेकी की तबलीग की बात करो। अब देखिए, आदमी गौर करता है तो बहुत हैरान हो जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को, दोनों भाई हैं और दोनों नबी हैं, एक रसूल है एक नबी है, दोनों को फिरौन के पास भेजा जा रहा है और हुक्म क्या दिया जा रहा है, वकूला लहू कौलन लय्यना, फिरौन के साथ नर्म और धीमे लहजे में बात करना। किसके साथ? फिरौन के साथ नर्म और धीमे लहजे में बात करना। अजीजाने ग्रामी, उस वक्त पूरी धरती पे हजरत मूसा से बेहतर आदमी कोई नहीं था, उनसे ज्यादा नेक और बेहतर आदमी कोई नहीं था, और उस वक्त पूरी धरती में फिरौन से बदतर आदमी कोई नहीं था। देखिए किसको क्या कहा जा रहा, बात पे आप गौर कर रही हैं नहीं? दुनिया के नेक तरीन इंसान को दुनिया के बदतरीन इंसान की तरफ भेजा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है, कूला लहू कौलन लय्यना। और ये नसीहत सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं है, आज भी हम में से कोई शख्स अगर गुफ्तगू करे तो हजरत मूसा से बेहतर नहीं होगा, और जिस शख्स से सामने वाले से बात करे वो फिरौन से बुरा नहीं होगा, तो नसीहत तो वहीं खड़ी हुई है। कूला लहू कौलन लय्यना, नर्म लहजे में बात करें, मीठे लहजे में बात करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू, फरमाया काना कलामुहु कलामन फसलन, हुजूर आहिस्ता और धीमे लहजे में बात करते थे और आपका एक एक लफ्ज एक एक हर्फ बहुत धीमा साफ सुथरा और क्लियरली सुना जा सकता था। तेज तेज गुस्से में बोलना, ऊंची आवाज में बोलना, चीखना चिल्लाना ये जायज नहीं। और सच्ची बात यह है कि यह दीन का खुलासा है, तमाम आमाल का खुलासा है कि इंसान का अखलाक जो है वो दुरुस्त हो और वो गुफ्तगू करे तो शीरी अंदाज में करे। वअकीम उस्सला, नमाज कायम करो, और आतु जका, जकात दो। ये वो अहदनामा है, वो कमांडमेंट्स हैं जो बनी इसराइल को कोहे तूर पे दी गई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विशातत से। फरमाया सुम्म तवल्लैतुम मिन बाद इल्ला क़लीलन मिनकुम, फिर सिवाय चंद लोगों के तुम में से सारे लोग इस अहदनामे से फिर गए। व अंतुम मुअरिदून, और तुम्हारी तो आदत यही है कि तुम एराज करने वाले लोग हो, रूगर्दानी करने वाले लोग।